Ayurveda and have done diploma in allopathy. Okay. तो एलोपैथी में आपने डिप्लोमा क्यों किया? इसलिए किया कि किसी को ट्रीटमेंट करने के लिए वी शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द मेडिकल साइंस. तो मेडिकल साइंस इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ब्रांचेस. सो ब्रांचेस तो ह्यूमन इज नॉट डिवाइडेड इन ब्रांचेस. नो, ह्यूमन इज सिंगल आणि पॅथीज आर डिफरंट. सो हाऊ कॅन वी हॅव मॅचिंग दिस कॉम्प्लिकेशन. सो आय फेस आय लाईक दॅट वी शुड हॅव नॉलेज अबाउट ऑल पॅथीज. So that we can treat properly according to the circumstances of the patient. It's not an issue of pathy, it's an issue of management. आपने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही. तो आपने सिर्फ एलोपैथी और आयुर्वेदिक को भी किया है या होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और बाकी और दूसरी जगह भी? योगा में मैंने सर पीएचडी किया है योगा में. नेचुरोपैथी में मैंने प्राइमरी डिप्लोमा किया है. आयुर्वेद में मैंने रिसर्च किया है और एलोपैथी में तो वर्किंग में वैसा तो प्रैक्टिकली भी मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है एलोपैथी के साथ और डिप्लोमा भी उसके साथ किया है मैंने. अब देखिए डॉक्टर गन्ना, यू आर जो है ना द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू हैव ए डायलॉग विथ यू. एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो क्राइम फ्री भारत है, इट इज ऑल्सो on the path to explore healthy and wealthy Bharat. यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम वेल्दी भी नहीं होंगे और वो जो वेल्थ होगी तो वो वेल्थ विल बी ड्रेन आउट एंड और ट्रीटमेंट. सर ये हेल्थ इश्यू जो है ना सर, हेल्थ इश्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, तो आई थिंक द क्राइसिस ऑफ हेल्थ इज ड्यू टू द ह्यूमन बींग सेल्फ, बिकॉज ह्यूमन आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर. And if you go against the nature, it's like swimming against the flow. नहीं, लेकिन जो है चारों तरफ से ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो जो है ना, he cannot swim in favor of without any aid. हाँ, it is not like that. You can swim naturally because you have that power. Your body already have born with the powers of different. Immune system and that is sufficient for human being to live. Except we have to go for wait and watch policy. So sometimes what happens, we are not waiting till the body has to sit, and that is the problem today in human being. नहीं, ये कारण ये नहीं है. आपका जो पूरी सोच है वो अलाउ नहीं कर रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वायरल फीवर होता है और अपन को अच्छे ढंग से मालूम है कि एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरता, राइट? तो हम एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? हमारे यहाँ इतनी स्थिति हो गई है कि खांसी भी होती है तो साला उसको 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दे देते हैं. अरे सर, मेरे जहाँ पे बयान होते हैं ना, मेरे जहाँ पे स्पीचेस होते हैं, वहाँ पे हम एक डायलॉग हमेशा रखते हैं. इन इंडिया पीपल्स आर टेकिंग 50% टैबलेट अननेसेसरली, 70% इंजेक्शन अननेसेसरली, 90% एडमिशन अननेसेसरी, 99% ICU unnecessary. These are unnecessary things we are doing in this branch. That is the problem, big problem. नहीं, लेकिन वो तो धन कमाने के लिए जबरदस्ती हो रहा है ना. नहीं, lot of problem. अभी तो जो है धन कमाने का एक ब्रांच हो गया. ऐसा है, पहले अपन देखें तो इंडिया में सभी जन्म जो है वो नॉर्मल होते थे, नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा होते थे, राइट? जो धोखे से हॉस्पिटल पहुंच गया उसे तो सीजरे नहीं कराना पड़ेगा. डॉक्टर इतना डरा देंगे कि उसको सीजरिन ही स्वर्ग दिखाई देगा. लेकिन सर, हम अभी हमारे मेरे खुद के हॉस्पिटल में, मेरा जनरल हॉस्पिटल है, आई हैव डन 16,000 डिलीवरी बाय नॉर्मल वे एंड यू हैव रेट ऑफ सीजरियन इज लेस देन 0.5% और एवरी 200 गेट अंडरगोज वन सीजरियन, अदरवाइज 199 केसेस इन 200 आई गेट नॉर्मली डिलीवर्ड. जो दो पेशेंट मे बी फ्रॉम हायर सोसाइटी और मे बी इन पॉवर्टी, वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द नेचर टू अलाउ द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. नहीं तो डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है कि यदि आप इतना हाई परसेंटेज अचीव कर सकते हो तो आपके जो दूसरे हॉस्पिटल हैं वहां उल्टी गंगा क्यों बह रही है?
उसके दो कारण होते हैं सर, एक तो प्रोफेशन हो गया, दूसरा कॉन्फिडेंस कम होता है, तीसरा लोगों के ब्लेम को फेस करने का मौका रखना नहीं चाहते लोग। लोगों को क्या होता है कि ये तो समझो ये साइंस एक प्लस माइनस साइंस है, इसके अगेंस्ट तुम्हारे द रिजल्ट आर डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ऑन वन सिंगल चीज। सो पीपल्स आर टुडे नॉट टेकिंग रिस्क ऑन द साइड ऑफ द पीपल। सपोज समबडी हैव नॉट स्टार्टेड एनी इनिशिएटिव टू ट्रीट द पेशेंट, द थिंग्स गो अगेंस्ट दैट लॉ सेज दैट व्हाई यू हैव नॉट डन दिस इफ यू आर नोइंग दैट। रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन जो होता है वो डे टू डे कम हो चुका है। डेडली फैक्टर 1% भी रिस्क रहा तो लोग लेने को तैयार नहीं है। एक्चुअली तो देखिए हम जो है हम उनको एडवाइज करते हैं कैसा कर लो और उसका दोष भी होने के ऊपर मर देते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, ये कैसे होता है समझो, एक डिलीवरी यदि ऐसा होता तो आपके अपने हॉस्पिटल में इतनी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो रही है? इसका मतलब आप खुद ही इस बात इसलिए हो रही है कि लोगों का हमारे पे विश्वास है। हमारा ये फोर्थ जनरेशन चालू है सर मेडिकल साइंस में। हमारे दादाजी डॉक्टर का काम करते थे, हमारे पिताजी और माताजी दोनों डॉक्टर थे, हमारा कपल डॉक्टर है और हमारे लड़के भी डॉक्टर है। तो ये जनरेशन से लोगों का विश्वास हमने संपादित किया है और इसीलिए हमें ज्यादा कुछ काउंसिलिंग करने की या किसी से इस बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। लोग यहाँ पे विश्वास से आते हैं और हम विश्वास के साथ में काम करते हैं तो उसका ये रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब है कि बाकी डॉक्टर उस विश्वास से, उस ध्येय से, उस मिशन से काम नहीं कर रहे हैं। बाकी डॉक्टरों में क्या होता है सर कि लोगों का डॉक्टर पे से विश्वास उड़ चुका है और डॉक्टर का भी लोगों के पे से विश्वास उड़ गया है। कल कोई भी आगे जाके कोई अलेक्सा कोई एक हजार एक हो जाएगा तो डॉक्टर का रिपुटेशन खराब होने की संभावना लोगों के मन में पैदा होती रहती है। ये डर डर की वजह से एक दूसरे पे विश्वास आ रहे तक कम हो चुकी है। मतलब तो फिर नॉर्मल डिलीवरी तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी हाँ। होगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना है। यदि आप सीजरन करेंगे तो उसमें कैंची छूट सकती है। नहीं सर नॉर्मल डिलीवरी सीजरन करेंगे तो उसमें आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगी। जबकि आप जो है नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोग्राम होता है ना वो डिपेंड्स करता है टाइम फैक्टर पे। समझो कोई डिलीवरी का पेशेंट एडमिट होने के बाद वो 12 घंटे 24 घंटे इतना समय लेकर डिलीवरी की संभावना हो जाती है। तो इस संभावना में एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि ज्यादा देर तक डिलीवरी का प्रोसेस चला तो बेबी को एस्फिक्सिया के चांसेस बढ़ना या कभी कभी इसके अंदर अपने को वेट करने के बाद। डॉक्टर गन्ना आई एग्री विथ यू। इसका मतलब ये है कि सिलेक्टिव केसेस में यू कैन कंसीडर एंड एडवाइज सीजरिन बट विदाउट सिलेक्टिव शब्द जो है ना वो सिलेक्टिव शक्ति की मर्यादा अभी कम हो चुकी है। दैट शुड बी डन वेरी साइंटिफिकली अलाउइंग द नेचुरल प्रोसेस टू फर्स्ट जो ना प्ले इस रोल फेलिंग विथ इट कुड बी डन। नहीं इसके सबके जो परिणाम है ना सर ये अच्छे दिखने के लिए हमें थोड़ा सा एक नेशनल इशू आपसे बताना चाहूंगा मैं कि जब से ये मेडिकल साइंस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दिया है ना उससे ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। इसमें कंज्यूमर के नाम से पेशेंट को ट्रीट करना इतना इथिकल नहीं रहता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों इसे नहीं आना चाहिए जब आप हमें इसलिए नहीं आना चाहिए जैसे कि मैथमेटिकल रिजल्ट में नहीं बैठता है। जस्ट ए मिनट उस देश में जहां डॉक्टर को भगवान माना जाता है कहते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर राइट मतलब डॉक्टर को भगवान के तुल्य माना गया है। वहां के डॉक्टर अपने पेशेंट के प्रति इतने बेईमान है कि वो जो है ना उसको तब भी एंटीबायोटिक देते हैं जब एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। Knowing it fully well that this antibiotic is going to kill all bacteria which are friendly bacteria. तो इसका मतलब है कि आपकी सोच कहीं ना कहीं तो दूषित हो गई है। अच्छा आप ये कहें कि साहब ये डॉक्टर गंदा प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अपन ये कहें कि साहब ये तो उसके प्रोटोकॉल है तो ये प्रोटोकॉल जो है ना विदेशों में तो नहीं चल रहे हैं जहां से पैथी आई है वहां तो आपको आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं। तो आपने मेडिसिन बेचने के लिए
अपने कन्वीनियंट प्रोटोकॉल बना लिए हैं, और पहले जो मेडिसिन बांटने वाले जो है ना उपहार देते थे, अब आप देखिए कि सभी डॉक्टर्स ने अपनी एक मेडिकल शॉप खोल दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि साहब जो है ना ये तो फालतू की बात है छोटी मोटी गिफ्ट लेना, हम सीधा सीधा 40, 50 और 60% डिस्काउंट लेके बड़ी संपत्ति कमा सकते हैं। आप ये देखिए आजकल इनवेरिएबली सभी डॉक्टर्स की एक छोटी सी बगल में दुकान भी खुल गई है। खुल गई कि नहीं खुल गई ये बताओ। अरे सर हम आपसे एक बात बोले क्या, हमारा हॉस्पिटल है ना यहाँ पे कोई मेडिकल भी नहीं है, हम 90% केसेस में एंटीबायोटिक भी नहीं यूज करते हैं, और हमारे पास इथिकली काम होने का काम पहले करेक्ट डॉक्टर गंधा, मेरा कहना ये है व्हाई डॉक्टर गंधा शुड नॉट बी द रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे इसका डायलॉग रखना पड़ेगा, इस डायलॉग पे कि भाई हम ऐसा करते हैं, हमने ये करके दिखाया है, हमारे पास प्रूफ है कि हमारे 16,000 डिलीवरी का रजिस्टर्ड, हमारे हमारे यहाँ के पंचायत में ऑलरेडी डिलीवर रजिस्टर्ड है हमारे कि नॉर्मली हो गए थे, अभी तक तो उसका प्रूफ है, ऐसा नहीं कि भाई हम ऐसा कोई वेग स्टेटमेंट करते हैं। नहीं मेरा ये कहना है कि इफ यू कैन डू then why you should not be the role model for the rest of the people। ठीक है ना सर, अरे वो ये तो वो नहीं है, इसको आप जैसे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये मॉडल ही बन सकता है। और, अभी हमने नहीं और दूसरी बात है कि हम ये रीच जो है गांव तक क्यों ना पहुंचाएं, गांव के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से उनका हम एनुअल मेडिकल चेकअप क्यों ना कराएं, उनको बड़ी बीमारियों से घेरने के पहले हेल्दी लिविंग के माध्यम से उन्हें ठीक क्यों ना कर लें। सही बात है, ऐसा कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख कायो को होए, राइट। तो यदि जो आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है वी आर फ्लोइंग अगेंस्ट द करेंट, वी आर नॉट फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ नेचर, राइट, वी आर ना हमारी आदत, ना हमारा खान पान, ना हमारा सोच विचार, कोई भी चीज जो है वो नेचर के अनुकूल नहीं चल रहा है, हम दूषित जो है खाना खा रहे हैं, हम दूषित वायु को जो है ना इनहेल कर रहे हैं, हमारा मस्तिष्क दूषित विचारों से कुंठित हो रहा है, और हमारे चारों तरफ दूषित चीजें परोसी जा रही हैं, विच आर गेटिंग मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिसीजेस। अब आप ये देखिए, कैंसर इज नॉट बीइंग कॉज्ड बाय एनीबॉडी एल्स, इट इज ए रिवोल्ट ऑफ योर ओन बॉडी, योर ओन सेल अगेंस्ट यू। मतलब ये कोई कैंसर देखा जाए तो कोई बाहर से किसी बैक्टीरिया के द्वारा की गई बीमारी नहीं है, आपने नहीं, अपने नहीं। अपने सेल को अपनी बॉडी से। बराबर है सर, आपका सोच तो ठीक है लेकिन इसको प्रैक्टिकली डॉक्टर गंधे अपन इस सोच को आगे रखेंगे और अपन सोचेंगे कि हाउ टू डेवलप ए मैकेनिज्म जिससे इस सोच का लाभ हमारे हर गांव तक पहुंचे। जहां डॉक्टर गंधे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वहां ये सोच पहुंचे, वहां पर हम हेल्दी और पॉजिटिव लिविंग पहुंचाएं, और वहां पर जो है हम वो इलाज भी पहुंचाएं, और वो इलाज भी जो है लेट इट बी मोर बेस्ड इन फेवर ऑफ नेचर। तो यदि जड़ी बूटियां काम कर सकती है, यदि नेचुरोपैथी काम कर सकती है, यदि हमारे हेल्दी लिविंग के जो है प्रोडक्ट काम कर सकते हैं, देखिए केरला में इवन आप होटल में जाते हैं तो वहां वो पूछते हैं कि आपको मेडिकेटेड बटर चाहिए या नॉर्मल बटर चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे प्रेफर द रेड वाटर, दैट इज द मेडिकेटेड बटर, जिसमें 10 जो है ना औषधियों की का जो है ना उबाल करके उसको बनाया जाता है। सर हम थोड़ा रात में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा हमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हम इसको ये भी चाहेंगे कि हम इस विचार को जमीन पे कैसे उतारे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर गंधा, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, मैं IPS ऑफिसर हूँ 84 बैच का। आई हैड बीन, मैं काफी चीजें आपके ग्रुप पे पोस्ट करता रहता हूँ। मैं चाहूंगा कि हम लोग मिलके एक अच्छी व्यवस्था कायम करें।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे खुलकर बात करूंगा, आपसे चर्चा करना मेरे लिए। चलिए, जय हिंद जय भारत, रात में बात करते हैं।